हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। साल था 1964, एक फिल्म आई, एक हीरो नेत्रहीन तो दूसरा अपंग, नाम था दोस्ती। फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। रफी की आवाज में फिल्म के गीतों ने उस दौर में धूम मचा दी थी। हर ओर बस दोस्ती की चर्चा। न सिर्फ फिल्म बल्कि अंधे और लगड़े दोस्तों का किरदार निभाने वाले दोनों अभिनेता रातों रात स्टार का दर्जा पा चुके थे। हर फिल्म मेकर दोनों को अपनी अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। मगर दोस्तों, आगे की कहानी बड़ी चौंकाने वाली है। आज हम आपको अपंग दोस्त का रोल करने वाले अभिनेता सुशील कुमार का हैरान करने वाला सच बताने जा रहे हैं, जिनको लोगों ने जिंदा मौत दे दी। आइए पूरे रात से पर्दा उठाते हैं और सुशील के फिल्मों में आने से लेकर जिंदा मौत की पूरी हकीकत बताते हैं। दोस्ती फिल्म के एक्टर सुशील कुमार सोमाया कराची में 4 जुलाई 1945 को सिंधी परिवार में पैदा हुए थे। पिता किशन चंद का पूरे कराची में बड़ा नाम हुआ करता। वो अपने भाइयों और पिता के साथ ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस किया करते थे। आलीशान सी कोठी में पूरा परिवार साथ मिलकर व्यापार संभालता। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, मगर फिर अचानक जैसे किसी की बुरी नजर लग गई। 1947 में बंटवारा हुआ तो कराची में दंगे भड़क उठे। जान बचाने के लिए सुशील के पूरे परिवार को लंबा चौड़ा बिजनेस छोड़कर भागना पड़ा। वो लोग गुजरात चले आए और यहाँ फिर से ड्राई फ्रूट का बिजनेस शुरू किया, लेकिन इस बार किस्मत रूठ गई और बिजनेस नहीं चल पाया। मजबूरी में सुशील और पूरे परिवार को लेकर पिता बंबई चले आए और एक चाल में रहने लगे। महलों में रहने वाले ऐसी कंगाली के दिन न देख सके और साल भर में ही एक एक करके दादा, पिता और दोनों चाचा की मौत हो गई। अब सुशील समेत उनके भाई बहन की जिम्मेदारी अकेली माँ पर आ गई। भला हो उनके मौसा मौसी का जो बंबई में ही रहा करते थे। दोनों ने सबको अपने पास बुला लिया, माँ की छोटी मोटी नौकरी भी L&T कंपनी में लगवा दी, तब जाकर दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सका। अब जानिए कि सुशील कुमार फिल्मों में कैसे पहुंच गए। असल में सुशील को बचपन से ही डांस करने का बड़ा शौक हुआ करता। एक बार की बात है, इनके पारिवारिक मित्र थे किशन लाल बजाज, जो सुशील के परिवार के साथ कराची में ही रहा करते थे। बंटवारे के बाद भारत चले आए थे और फिल्मों में काम किया करते थे। एक बार वो इनके परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने छोटे सुशील को डांस करते देख लिया और इनकी माँ से पूछा, बेटे को फिल्मों में काम करवाना चाहती हैं? माँ के हाँ करते ही किशन लाल सुशील को फिल्मों में लाने की तैयारी करने लगे। 1957 के आसपास की बात होगी। मशहूर डायरेक्टर धर्म कुमार अभिनेत्री साधना को एक सिंधी फिल्म से लॉन्च करने जा रहे थे। सुशील को भी फिल्म में बाल कलाकार की भूमिका मिल गई। 1958 में फिल्म आई थी अबाना। ये साधना की पहली फिल्म थी। बस इसी फिल्म के बाद सुशील कुमार फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में हिट हो गए। उनको एक के बाद एक फिल्म मिलने लगी, जैसे धूल का फूल, काला बाजार, फूल बने अंगारे और सहेली। मगर सुशील कुमार के नसीब में वो फिल्म कैसे आई जिसने इनको रातों रात स्टार बना दिया था, चलिए हम बताते हैं। 1963 के आसपास की बात होगी। राजश्री प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद बड़जातिया दो लड़कों पर बनी एक बंगाली फिल्म का रीमेक बनाने जा रहे थे। उनको तलाश थी ऐसे दो लड़कों की जो 16-17 साल के हों। एक बार वो अपनी बेटी राजश्री से बात कर रहे थे। बेटी ने बताया कि उसने फूल बने अंगारे फिल्म देखी थी, उसमें एक लड़के की अदाकारी बहुत अच्छी थी। तारा जी ने सुशील को अगले ही दिन बुला लिया, ऑडिशन लिया तो वो भी प्रभावित हो गए। बस अपंग लड़के का महत्वपूर्ण किरदार सुशील को मिल गया, जबकि नेत्रहीन का रोल सुधीर के हिस्से आया। 1964 में फिल्म आई दोस्ती। आते ही फिल्म ने धूम मचा डाली। फिल्म के गीतों से लेकर संवाद, सुशील सुधीर की अदाकारी, सबने दर्शकों पर जादू कर दिया और दोस्ती सुपर हिट हो गई। 1964 में दोस्ती फिल्म को फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म अवार्ड भी मिला था। रफी की सुरीली आवाज में फिल्म के चार गीत,
घर घर में लोग गुनगुनाया करते, जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, कोई जब राह न पाए। और आखिरी गीत था राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। कम ही लोगों को पता होगा कि इसी फिल्म से संजय खान ने भी पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा था। दोस्ती फिल्म से सुशील कुमार स्टार बनकर उभरे, लोगों को लगने लगा कि ये लड़का आगे चलकर बॉलीवुड पर छा जाएगा। फिल्म मेकर्स भी अपनी अपनी फिल्म में काम करने के लिए सुशील को अच्छे अच्छे ऑफर्स देने लगे, मगर दोस्तों फिर वो अचानक से गायब हो गए। किसी को खबर ही ना मिली कि हिंदी फिल्मों का एक उभरता सितारा सुपरहिट फिल्म देकर आखिर एकदम से कैसे गायब हो गया। कुछ सालों बाद दो खबरें आईं। पहली खबर थी दोनों अभिनेताओं के गायब होने की वजह उनकी एक्सीडेंट में मौत थी। दूसरी खबर आई कि अभिनेता दिलीप कुमार दोनों को अपने करियर के लिए खतरा मानते थे, ऐसे में उन्होंने दोनों को मरवा डाला। अफवाह फैलाने वालों ने अभिनेता सुशील कुमार और सुधीर को जिंदा मौत दे दी थी। हैरानी की बात है कि सालों तक लोग इन्हीं खबरों को सच मानते रहे, मगर सालों बाद एक चौंकाने वाला राज सामने आया, सामने आई उनके अचानक गायब होने की वजह। यहां पहले सुशील कुमार की कहानी बताते हैं, सुधीर कुमार के दर्दनाक अंत की कहानी अगले भाग में बताएंगे। हुआ ये था कि राजश्री प्रोडक्शन वालों ने दोस्ती फिल्म साइन करते समय सुशील कुमार से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। इसके तहत शर्त थी कि 3 साल तक वो किसी दूसरे बैनर की फिल्म नहीं कर सकते। वहीं प्रोडक्शन हाउस की ओर से उनको 300 रुपए हर महीने की तनख्वाह दी जाएगी। यही समझौता दूसरे एक्टर से भी साइन करवाया गया। साल 1965 में दोस्ती फिल्म के प्रमोशन के लिए सुशील को रूस भेज दिया गया। वहीं दूसरे अभिनेता सुधीर को मद्रास की एक कंपनी से बड़ा अच्छा ऑफर आ गया, तो उन्होंने राजश्री का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ताराचंद बड़जात्या को बड़ा झटका लग गया, उनकी अगली फिल्म की योजना ही ठप हो गई। बाद में उन्होंने सुशील कुमार का भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर डाला, हालांकि उन्होंने सुशील से किसी फिल्म में लेने का वादा जरूर किया। मगर जिंदगी वादों पर नहीं चलती, इस बात की समझ सुशील को भी थी। उन्होंने फिल्म लाइन छोड़कर अपना करियर कहीं और बनाने का फैसला किया। जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद बहुत मेहनत की। कुछ सालों बाद 1971 में किस्मत खुली और उनको एयर इंडिया में फ्लाइट परसर की नौकरी मिल गई। वैसे ताराचंद जी ने अपना वादा निभाया था और 1967 में अपनी फिल्म तकदीर में उनको एक भूमिका दी थी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सुशील फिल्म लाइन छोड़ने का फैसला कर चुके थे, बस वो एयर इंडिया की नौकरी में लग गए और फिल्मी दुनिया से अचानक गायब हो गए। इसी वजह से लोगों ने उनकी मौत की अफवाहें फैलाकर उन्हें जिंदा ही मौत दे डाली थी। वैसे सुशील कुमार ने एयर इंडिया में नौकरी पाने के बाद 1978 में अपनी पड़ोसी कोशी से शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी हुई किरण, वो भी अब बड़ी हो चुकी है और इंजीनियर पति के साथ अमेरिका में रहती है। साल 2003 में रिटायर होने के बाद सुशील और कोशी मुंबई में ही रहा करते थे, मगर 2016 में कोशी की मौत हो गई और सुशील अकेले पड़ गए। इसी वजह से वो अब ज्यादातर समय अमेरिका में बेटी के पास ही बिताते हैं। सुशील अब भी स्वस्थ हैं और अपनी मौत की मनगढ़ंत कहानियों को देखकर हंसा करते हैं। दोस्तों, आपको सुशील कुमार की दोस्ती फिल्म याद है? अगर हाँ तो उनकी एक्टिंग कैसी लगी थी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।